क्या हाल है? प्लीज़ आई एम अ गेस्ट इन योर हाउस, मेरे को दिखाइए कहाँ जाना है। आप यहाँ रहते? हाँ जी। इट्स नाइस। शिट मैन, क्या हाल है? एक हिंदुत्व वाले आ गए थे, एक रघु सर आ गए थे, तो बस अब ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था। किस बारे में बात हो रही थी अभी आप लोग? क्या श्रीराम सेना पे चल रहा था? वो मैंगलोर में इंसिडेंट हुआ था ना, जिसमें पब में जाके लड़कियों को मारे थे। आप श्रीराम सेना से, आपको ठीक लगता है आप उन्होंने जो किया? जो कृति हुई वहाँ पे, जो मारा गया वो गलत था। फिर क्या करने गए थे 40 लोग एक साथ अंदर? हम लोग 40 लोग एक साथ वो बंद करने गए, जो इनलीगल था पब्स। क्या इलीगल था? पब ही पूरा। उनके पास लाइसेंस नहीं था? नहीं था। तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? किया था ना, आठ दिन पहले 8-10 कंप्लेंट्स किए थे। तो पुलिस वालों ने एक्शन लिया? नहीं लिया, इसलिए तो जाना पड़ा। तो अगर कोई रेप होती है और पुलिस कंप्लेंट करती है और वो एफआईआर कई बार दर्ज नहीं करते, तो क्या वो उसको जान से मार दे? कानून अपने हाथ में लिया? हम लोग निकाल लिया। तो आपको बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? वही हम लोग कह रहे, जो पुलिस थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। आपने कानून अपने हाथ में लेना ठीक समझा, और आप लोग उसे डिफेंड कर रहे हैं? कानून हाथ में लिया नहीं हमने, एक्सेप्ट द बीटिंग पार्ट। आई थिंक वो जो पब बंद करने का जो उनका जो नजरिया उस नहीं, बट मैं भी समझना चाहता हूं आपके नजरिए को। अंदर जो बैठे थे उनकी क्या गलती थी? अगर आपने मारना ही था तो जो लोग पब चला रहे थे उनको मारते ना, लड़कियों पे क्यों हाथ उठाया? नहीं, मैं वो भी ठीक है, जो चला रहे थे उनको भी मारना ठीक नहीं है एक्चुअली, वो कानून तोड़ना हो गया। सिगरेट सेहत के लिए खराब है? सिगरेट के हर पैकेट पे लिखा हुआ आता है ये हानिकारक है, कर्क रोग हो सकता है इससे। अगर मैं खरीदता हूँ, मेरी मर्जी, अगर वो पब खुला हुआ है, अगर वहाँ पर एक उम्र के ऊपर लोगों को, आदमियों और औरतों को आने की छूट है, आज़ादी है, कानून है, तो उनकी क्या गलती है? आप निकले थे एक मूवमेंट लेके, मगर दुनिया के सामने आप एक गुंडे के ग्रुप की तरह है बस। देखो, हर एक का नजरिया अलग है। नहीं, नजरिया एक चीज, भाई साहब मेरी बात सुनिए, नजरिया एक अलग चीज़ होती है, कानून तो एक ही कानून है ना, मैं इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं। चलो, वो इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांग ली, वो आप भी गलत मानते हैं, करेक्ट, चलो उससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे जो विचारधारा है उसके बारे में बात करते हैं। मैं एक अपनी एक सोच आगे रखता हूँ, आप अपना रिएक्शन देना उस पर। मुझे लगता है आपका नाम रावण सिंह होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, क्या आप बदलेंगे? नहीं, मेरे कहने से आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपको कानूनन अधिकार है, संविधान में आपको अधिकार है अपना ग्रुप का कुछ भी नाम रखने का। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एम आई राइट? एग्रीड? यस। अगर कोई वॉइस नहीं उठाएगा ना, वॉइस उठाना अलग बात होती है बेटे, लड़कियों को बाल से घसीट के बाहर ले जाना बहुत अलग बात होती है। मुझे आपका नाम पसंद नहीं है, लेकिन कल को अगर 6 जन, हम मान लिया हम 6 जन इज द पॉपुलेशन और हम 5 जन को पसंद नहीं है, आप क्या करोगे? हम लोग बोलेंगे कान के नीचे बजाएंगे तो चीज का नाम। नाउ अंडरस्टैंड दिस, 6 नहीं 6000 आ जाओ, उखाड़ नहीं सकते मेरा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड लॉ। तुम 6 लाख को ले आओ, यहां से निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू अंडरस्टैंड मी? द गवर्नमेंट हैज गिवन मी द राइट टू डू इट, योर ओपिनियन शव इट अप। Opinion is subjective. It's like an asshole. Everybody has one. And they all stink. Yeah. All right? The law is what matters. Is that clear? Yes. Yeah, absolutely. Hai na? So you meant to say he's against the law? His thoughts are against the law? Yes, they are. They are taking away her and her basic right to choose what they wear. Choose their life. They are taking it away. Okay. If he has an issue with it, the point is to create a movement, influence the government to make a law. Yeah, this is you what do I, that. This is what I do. You understand me? Yeah, yeah. Okay. This is what I in mean. Which case you yeah. will understand how many people are against this also. Samjhe? The liberals and the progressive people. Huh. Just because they're silent doesn't mean they're few, brother. Now, आप आज किसी कॉलेज में गए थे? आपने बातें की? Actually, मैं देख रहा था। अच्छा, मैं वो कॉलेज में कह रहा था कि वो लड़कियों से कपड़ों के बारे में कह रहा था। क्या कह रहे थे? नहीं पहनना चाहिए एक तरह के कपड़े, पहनने चाहिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए? मैं इस तरह के कपड़े, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? नहीं, मेरा मानना है। आपका मानना है ना, जैसे मेरा मानना है इनके रावण सेना के बारे में। तू कौन पे बोलने वाला? अगर मुझे खराब लगता है तुम्हारा ये नाम, मेरे फीलिंग्स हर्ट होते हैं, आप तो नहीं बदलोगे? तुम बोलोगे तू कौन पे सैरट? मैं तेरा बोल रहा हूँ, तू कौन पे सैरट? ये कपड़े पहन के कानून तोड़ा है, इनको हक है, तुम कौन हो बताने वाले? मैंने अपनी बात है क्या? कौन? हमारी तरफ से सब कुछ
सब कुछ रघु सर बोल रहे थे। इक्वल राइट्स का मतलब समझते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आप क्यों बता रहे हैं कि मेरी ओपिनियन है देयरफॉर यू शुड चेंज? ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप ये विचार रख सकते हैं? ये आपको किसने सिखाया? फ्रीडम टू स्पीच भी है तो मैंने अपना फ्रीडम टू स्पीच तो है भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना राग अलापते रहोगे, दूसरे की भी बात सुनो और समझो, हो सकता है वहाँ पॉइंट हो। जहाँ आपको आपत्ति होती है ना, मेरा राइट खत्म हो जाता है वहाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो चाहे राइट टू एन ओपिनियन हो, आप किसी का हक नहीं छीन सकते भाई साहब। मैंने अपना ओपिनियन रखा, चेंज करना नहीं करना उनका अपना पर्सनल मैटर है। कैन यू चेंज योर ओपिनियन? जब मुझे लगे कि मैं गलत हूँ तो डेफिनेट चेंज करूँगा। फिलहाल अभी तक तो मुझे अपना गलत नहीं लगा तो मैं चेंज नहीं कर रहा। फ्रीडम टू इक्वलिटी है कपड़े पहनने का अधिकार, तो फ्रीडम टू स्पीच भी है ना, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, यदि आपको मानना है नहीं माननी है। भारतीय संस्कृति आपने बहुत देखा है, तुलसीदास ने कहा था ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ आपके लिए। ढोल समझते हैं, गंवार समझते हैं, शूद्र शूद्र चार वर्ण होते हैं हिंदू में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र आर द मिलियन लेवल, सबसे नीची जात समझी जाती है। शूद्र पशु जानवर, नारी वुमेन, सकल सारे, ताड़न ताड़ डंडा के अधिकारी, मतलब जिस तरह से ढोल को पीटा जाता है डंडे से, गंवारों को, शूद्रों को, जानवरों को, औरतों को वैसे पीटना चाहिए डंडों से। ये तुलसीदास जी ने बोला। तब की सोच थी, तब के समाज था, तब के लिए सही था ये। बेटे आज ढोल के अलावा किसी को भी डंडा मार के दिखा। नहीं मेरी बात सुन, हाथ तो उठाने नहीं चाहिए। सुन ना, किसी गंवार को पकड़ और डंडे से पीट, या किसी शूद्र को पकड़ डंडे से मार, गाय को डंडे से मार, या किसी औरत को डंडा मार, IPC के इतने दफे लगेंगे ना बेटा, दफा हो जाएगा यहाँ से हमेशा के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि संस्कृति और सभ्यता एक चीज़ होती है, मगर जो पहले के लिए था, हो सकता है वो आज गलत हो। राइट, आजकल सही हो, मतलब वो एम आई राइट? आप ये बताइए कि संस्कृति सभ्यता कभी गलत हो सकती है? नहीं। जब राजा राममोहन रॉय ने सती के खिलाफ आंदोलन किया था, तब कौन गलत था, भारतीय संस्कृति या राजा राममोहन रॉय? संस्कृति। मेरे और सवाल है, जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज के लिए आंदोलन किया था, कौन गलत था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी या भारतीय संस्कृति सभ्यता? जब सावित्रीबाई फूले ने औरतों के लिए और शूद्रों के लिए अछूतों के लिए पहला स्कूल खोला था, उनके लिए अलाउड नहीं था पहले एडुकेशन, कौन गलत था, भारतीय सभ्यता या सावित्रीबाई फूले? जब गांधी जी ने छूत और छूत की प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाया था, कौन गलत था, भारतीय सभ्यता या गांधी जी? आपका मानना है कि ये सब गलत है, भारतीय सभ्यता हमेशा से? नहीं नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हो ये जो संस्कृति, इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये संस्कृति में है कि शूद्रता, हम लोग शूद्रता को नहीं मानते? औरतों को जलाया जाता था, सती किया जाता था, ये हाँ ये एक विशिष्ट, सुनिए ये हमारी ये संस्कृति नहीं, संस्कृति नहीं है ये, एक विशिष्ट एक जात ने की हुई थी, पैदाइश थी वो, और हर कोई नहीं कर रहा। विधवा पुनर्विवाह वो भी नहीं था, पहले नहीं था, नहीं था। देखिए आप अगर हिस्ट्री को नकार देंगे तो फिर मैं नकार नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना, ही नहीं कभी छूत अछूत थे, लेकिन वो हमारी भारतीय सभ्यता थी या नहीं? नहीं नहीं, वो जो छूत शूद्र थे या नहीं, शूद्र थे, वो हमारी भारतीय सभ्यता थी कि नहीं? शूद्र थे, लेकिन वो जाति किसने निर्माण की? मनुष्य ने की, भगवान ने नहीं की? पहली बात, सभ्यता भगवान ने दिया या, तो फिर ये सब कहाँ से आए? ये सब आ गया श्रीराम जब, औरतों के कपड़े भगवान ने बनाए, आदमी ने बनाए, ये ऐसे आप इंडिविजुअली एक एक बात कहोगे? आप भी वही नहीं, आपका पॉइंट मैं आप ही को दे रहा हूँ ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, भगवान ने जो बनाया है तो फिर नंगे घूमना चाहिए ना। जब से वो राम राज्य आया था तब से जो प्रथा आई थी कि इससे राम राज्य होना चाहिए, राज्य कैसे होना चाहिए, ये राम ने हमें बताया, श्री राम ने बताया कि कैसा आदर्श राज्य। उस वक्त महिलाएं पूरे गहने पहन के रात के 12 बजे भी निकल सकती थी, लेकिन आज शाम को 7 बजे भी कोई निकल नहीं सकता, कौन सी महिला है? इससे पॉइंट क्या यार, उस टाइम मैं बताता हूँ, उस टाइम रावण ने भी सीता को लेके गए थे और सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन आज वो करना चाहिए? वही इतना कह रहा हूँ, वही तो राम ने आदर्श डाला है। आपने ये देखा कि सीता को अलग कर दिया, लेकिन राम ने ये आदर्श डाला कि राम जब गाँव में घूम रहे थे तब एक घर में झगड़ा चालू था, जब वो झगड़ा उन्होंने सुना तो उन्होंने जब आदमी उससे लड़की से बात कर रहा था अपने औरत से, तब उन्होंने क्या कहा कि मैं क्या राम नहीं हूँ जो सीता को इतने टाइम आदमी के पास रहने के बाद मैं आपके घर पे लाऊं? तब ये राम ने निर्णय ले लिया कि हाँ मैं अगर आदर्श राज्य निर्माण करना चाहता हूँ तो फिर ये सीता को मुझे त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रजा की इच्छा है, इसलिए उन्होंने करवाया। तो ये क्यों करवाया? तो आज की डेट में वैसे ही रहना चाहिए जैसे
उस टाइम पे नहीं 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 हम लोग नहीं कह रहे वो चीज़, हम लोग ये भी नहीं कह रहे कि लड़की लोग का हाँ आपका जो ड्रेस जो भी है वो आप पहने, हम लोग उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कह रहे। इनको तो प्रॉब्लम है नहीं, ये अलग है, मैं वही कह रहा हूँ, इनका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत निर्णय उनका, मगर आपका मेरा अलग है। एक सेकंड, आपका जो व्यक्तिगत ओपिनियन है ना, आपका आपकी जो राय है वो हमारे संविधान के खिलाफ जाती है भाई साहब। ये अधिकार उनको दिया हुआ है और आप कोई नहीं हो तो वो लेने वाले। मैं आपको बताता हूँ आप वहाँ पर क्या कह रहे थे, मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे अगर कोई सलवार कमीज़ में आपके आगे जाती है तो आपके सुंदर सी लड़की जाती है, आप क्या सोचोगे, है ना? और वही लड़की अगर हिप हॉप वर्ड आपने यूज़ किया था कि हिप हॉप के टाइप कपड़े पहन के जाएगी तो आप उसे रेस्पेक्ट नहीं करोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आप रेस्पेक्ट औरतों की, इंसानों की करते हो कपड़ों की करते हो? इंसानों की। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है क्या कपड़े पहने? नहीं, आप जिस तरह से अपना पेश करते हो इंसानों का नज़रिया बदल जाता है। तो गलती इंसानों के नज़रिए की है या उनकी है? मेरी बात समझाता हूँ आपको, आपने चेन पहना मैं खींच लूँ और अब मैं पुलिस में जाके बोलूँ मेरी क्या गलती थी, इसने चेन पहना क्यों था अगर खींचवाना नहीं था तो? आपकी लॉजिक कुछ समझ में आ रही है? सब ने रामायण पढ़ी है, देखा भी होगा, लक्ष्मण रेखा पता आपको क्या है? लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा एक दीवार नहीं थी, वो एक लोहे का गेट नहीं था जिस पर ताला लगा हुआ है, वो एक ज़मीन पे रेत पे बना हुई एक लकीर थी बस। मगर उस लकीर को रावण पार करके नहीं जा पाए, उन सीता जी को बाहर आना ही था, एम आई राइट? बाहर आना था तब वो उठा के लेगा। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? आज भी समाज में कई लोग ऐसा सिखाते हैं कि औरतों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे लड़कों के साथ नहीं घूमना चाहिए, और क्योंकि अच्छे लड़कियों के संस्कार नहीं, ये मर्यादा है, ये एक मर्यादा है। इस मर्यादा के अंदर रहते हुए आप जो वहाँ कह रहे थे ना, वो यहाँ आपके अंदर भी वही दिमाग है, वही सोच है जो उन रेपिस्ट में है। बाय द वे देखिए, आई विल प्रूव इट। ये कहा जाता है कि अगर वो मर्यादा में है, आपने कहा कि अगर कोई सुंदर सी लड़की सूट में ये सलवार कमीज में घूमे तो आप रेस्पेक्ट करेंगे, अगर नहीं घूमेंगी तो आप बोलेंगे चलो पार्टी करते हैं। नहीं, ऐसे मैंने नहीं कहा चलो पार्टी करते हैं, वो उन्होंने बोला था और आपने आपने वो सुना था, इन द सेंस उन्होंने कुछ और बोला था, आपकी सोच है। बट माई पॉइंट इज, जो लड़की तन ढक के कपड़े पहने, अंधेरे के बाद घर के बाहर ना जाए, लड़कों से ना मिले, शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, वो लक्ष्मण रेखा के अंदर है, मर्यादा के अंदर है। अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं करती, उनको आप छेड़ोगे नहीं, उनके साथ आप बदतमीजी नहीं करोगे। जो लड़की अंधेरे के बाद बाहर घूम रही है या जॉब करके घर आ रही है या बॉयफ्रेंड है उसका या कहीं पर सिगरेट पी रही है, वो लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं, उसके ऊपर आप हमला कर सकते हैं, ये उनकी संस्कार है, यही आपने बोला है वहाँ पर जाके अलग तरीके से, बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये कट्टर सोच जो है ना, वो उसको बदलना पड़ेगा, एटलीस्ट स्मार्ट होना पड़ेगा। आप अल्कोहल बैन कर दो, लोग चुप रह गए, आपने बीफ बैन कर दिया, लोग चुप रह गए, आपने पॉर्न बैन किया, दो दिन ही टिकता है, दुनिया अपनी चलेगी यार आगे। मैं पॉर्न की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। अब जो विचारधारा है ना, वो आप उससे तालमेल नहीं है आपका, नहीं हो सकता, हर एक के विचार अलग और अपना अपनी बात दूसरों पे मार के सिखाना, ये गुंडागर्दी है, ये आंदोलन नहीं है सर। वो जो बात हुई, नहीं नहीं बात नहीं, आप ये गए, वो देखिए आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप दोबारा ये करेंगे, आपको लग रहा है ऐसी चीज, उसके बाद सबको लग रहा है, मुझे अकेले को नहीं सर। उसके बाद ये इंसिडेंट क्यों नहीं हुआ फिर? आपके विचार बदल गए होंगे शायद से, अगर आप कह रहे कि फिर से हो सकता है तो। हम लोग मैंगलोर में ही है, तो अभी वहां पब्स हैं ऐसे बंद है, बंद है सर, तो फिर कैसे होगा? वही हम लोग कह रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ अगर पब वापस खुल गया तो क्या वापस हो सकता है? हमें ऐसे लग रहा है। अच्छा, आई वन मैन, एक छोटा सा, तो अभी वहाँ पे कोई पब नहीं है, तो अगर पब वापस खुल गया तो ये वापस हो सकता है? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो आप, हम लोग पब के विरोध में नहीं थे, पब औरतों के विरोध थे। हे भगवान, पर तभी तो ये आप शुरुआत में क्या निकले थे कि ये इल्लीगल, अभी आपने खुद बोला कि हमें पपके से कोई आपत्ति नहीं, औरतों से आपत्ति है। नहीं, अभी भाई साहब आपने बोला है कि मेरे को पब से कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ जो औरतें उनसे आपत्ति है, अभी आपने बोला। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, कि आपने क्या कहा फिर से पब आएंगे, पब लीगल आएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर वहां चले एक और इलीगल पब खुल गया तो हम लोग फिर से वही करेंगे।
अभी जब मैंने पूछा कि दोबारा आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, आपने आपने अभी फिर बताया कि करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, आप गुंडों की टोली हैं आप। लॉ के खिलाफ जा रहे हैं तो हम लोग करेंगे। आप लॉ के खिलाफ जाएंगे? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहले वो जा रहे हैं ना, पहले वो जा रहे हैं, इसलिए आप ठीक हैं। अरे हम लोग बता रहे हैं। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो शुरुआत में मैंने मजाक किया था ना कि आपका नाम रावण सेना होना चाहिए, श्री राम सेना नहीं होना चाहिए, वो मैंने इसलिए बोला था ताकि मैं अपना पॉइंट रख पाऊँ कि मेरे राय से आपके हक पे फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने कपड़ों के बारे में लेके गया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, रामायण में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक श्री राम और एक रावण। सोचो औरत के बाल से घसीट के किसने ले गया था, राम या रावण? किसने की थी जबरदस्ती? तो अगर मैं आप बोलूं कि आपका नाम रावण से नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सीता नहीं थी ना, वो लड़की लोग वहाँ पे नशा पे थे, वो सीता नहीं थी। जो मीडिया दिखा रहे आप वही देख रहे हो, अब ये कह रहे हो कि हाँ यही सही है, लेकिन उसके पीछे का क्या? श्री राम सेना का विचारधारा क्या है? सिर्फ पॉप कल्चर नहीं, पूरा विचारधारा मुझे। श्री राम सेना का पूरा विचारधारा ये है कि औरतों की या लड़की लोगों की सम्मान होना चाहिए। सम्मान कैसे? मतलब घर के बाहर नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, हम लोग नहीं कह रहे इसे का। देखो आप ऐसे कह रहे, पूछ रहा हूं। नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कई जगहों पर जाने से बता रहा हूं रोक है। हाँ, ये यहाँ पे क्यों जाना रोक है, ये हम लोग इसके लिए कह रहे हैं कि पब में क्या होता है, इसके लिए हम लोग मंदिर जाने के लिए बंद नहीं कर रहे, ऑफिस काम करने के लिए बंद नहीं कर रहे, मगर कुछ जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ पे वहाँ पे वो इनसिक्योर है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे हमारे आपत्ति है। पॉइंट रखते हैं, श्रीराम सेना के बारे में नहीं, लड़कियों के कपड़ों के बारे में, उनके अपने खुद के चॉइस के कपड़े पहनने की आज़ादी के बारे में आपकी क्या राय है? लड़की लोगों को उनके कपड़े पहनने का अधिकार है, लेकिन उस कपड़ों से समाज पे, राष्ट्र पे या धर्म की हानि ना हो। मैंने उनके हाथ देखे थे जब वो बात कर रहे थे ना, उनके हाथ कांप रहे थे। एक कम कपड़े में औरत को देखा गया एक आदमी ने, उसके मन में जो भावनाएं आ गई वो कृति में लाने के लिए कृति करेगा उसके बाद, तो उसके बाद उसके जो उसके पर वो जो संस्कार है, वो विवेक, उसकी बुद्धि है, वो तय करेगी कि क्या करना है। हम किसी के कपड़ों से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंसान बुरा है या कैरेक्टरलेस है या अच्छा है। कि जब हम आइसक्रीम की दुकान देखते हैं, पहली बार जब आइसक्रीम देखते हैं तो हमें दुकान देखने के बाद हमारी भी इच्छा पकड़ जाते हो, नहीं इच्छा पकड़ लेते कि आइसक्रीम खाना है। सही बात है, सही बात है। लेकिन एक मिनट, लेट मी लेकिन उसके बाद हमारी जो विवेक बुद्धि और हमारे स्कृति, हम ये निर्भर करती है कि खाना है कि नहीं खाना है, वो बात की बात है। आपका मन क्या बोल रहा है सर? मेरे पे हम जो हम क्या करना चाहिए, हम आइसक्रीम से हम आपके सामने हैं, हमें तो पता भी नहीं था पाने। चॉइस आपकी है या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गलत कौन है? मेरे पे जो संस्कार है वही मैं देखूंगा, आपको आपने खुला दिख रहा है। हाँ। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, आपका संस्कार है, ये बाकी के लड़कों को जाके सिखाओ ना, कि लड़कों को ये बताओ कि तुम्हारा वहां होना नहीं होना सही है या गलत है। फराय की तो आदत ही है, जल्दी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती है, और वहाँ पर भी माँ बहन गल स्टार्ट कर दी। अरे यार, कोई गेस्ट आया है, आप उसको कैसे इंसल्ट कर सकते हैं? यू आर नॉट हियर टू चेंज एनीबॉडीज ओपिनियन, यू आर हियर टू शो द वैलिडिटी और स्टूपिडिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। बाय स्क्रीमिंग यू अंडर वैलिड योरसेल्फ, योर पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट। गलती कपड़ों की नहीं है, गलती इसकी नहीं है, बात विवेक की है, संस्कार की है। अगर किसी को बुरा लगता है वो कपड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, आज़ादी है तो है।